समय में हवाई सफ़र ज़्यादातर लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन जो लोग पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं उनको कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे उनके कान में दर्द हो सकता है, और जब हवाई जहाज़ ऊंचाई पर पहुंचता है तो हवा का प्रेशर बदलने लगता है। हवा के प्रेशर में अंतर आने के कारण ही हवाई यात्रा में कान में दर्द का अनुभव होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई से भी समस्या होती है। अधिक एयर प्रेशर के कारण कुछ लोग कान में ज़्यादा दर्द अनुभव करते हैं। जब प्लेन लैंड करता है, फिर टेक ऑफ करता है, तो दबाव ईयर ड्रम में अनुभव होता है। प्लेन की समतल पर आ जाने पर दर्द अपने आप ठीक भी हो जाता है। और इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि पानी पीते रहें और अपनी नाक और मुंह बंद करके हवा को ब्लो करें, और फिर उसे धीरे धीरे नाक से छोड़ने की कोशिश करें। लगभग ये प्रक्रिया करते रहें। और कोई कोई लोग च्यूइंग गम का भी इस्तेमाल करते हैं, और पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें, कुछ खाते पीते रहें, जिससे कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। और जैसे ही कान में ज़्यादा दर्द होने लगे तो आप फिर से वही प्रक्रिया दोबारा कर लें। और टिप्स देना चाहूँगा कि जैसे आपको विंडो सीट लेनी है, कोविड का टाइम में जो है विंडो सीट मिलने के चांसेस जो है कमी रहते हैं। हालांकि चार्जेबल होते हैं तो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इसका एक ट्रिक है कि जिस टाइम आप वेब चेक इन कर रहे हैं, तो वेब चेक इन के टाइम पे आप लगभग लास्ट में करें, सबसे लास्ट में, यानी कि आपका जो फ्लाइट है उसका करीब 3-4 या 5-6 घंटे का अंतराल हो, तब आप वेब चेक इन करें, तब आपको इजीली जो है विंडो सीट मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग तब तक वेब चेक इन कर लिए होते हैं। तो ये ट्रिक अपना सकते हैं आप लोग। ऐसा भी होता है जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो ऊबर, ओला, इन सारे के चार्जेस जो है बहुत हाई होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 times इंक्रीज़ होते हैं या 2 times इंक्रीज़ होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम पे आप मेट्रो ले सकते हैं। मेट्रो भी पास में ही है उसका, तो आप मेट्रो ले सकते हैं।